मैं ना एक बहुत पॉजिटिव इंसान हूँ। मैं हमेशा छोटी छोटी चीजों में जो खुशी मिलती है आपको, वो बड़ी बड़ी चीजों में शायद कभी नहीं भी मिलेगी। अगर खुशी चाहिए एंड इफ यू वॉन्ट टू बी हैप्पी, अगर आपके पास कुछ कम भी है ना, लाइक मनी वाइज, मॉनेटरी थिंग्स और स्टेटस वाइज, अगर आपके पास कुछ कम भी है और यू आर हैप्पी इन लाइफ, तो आप उस चीज को करते रहोगे। जो भी आदमी इंडस्ट्री में, अपनी फिल्म इंडस्ट्री में, टीवी में, कहीं पे भी काम कर रहा है ना, वो स्ट्रगल करके आया है। और आप स्ट्रगल किसी चीज के लिए क्यों करते हो? नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सक्सेस स्टोरीज सीजन टू में, जो प्रेजेंटेड बाय प्राइड एंड कम्युनिकेशन इन एसोसिएशन विद वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन। और जी हां, आज के हमारे जो गेस्ट हैं उनकी तारीफ में जितना कहा जाए कम है, क्योंकि इन्हें आप देवराज इंद्र के नाम से भी जानते हैं। जी हाँ, इनका नाम है कुणाल बख्शी, जो माइथोलॉजिकल सारे सीरियल्स में देवराज इंद्र के रोल के लिए भी बहुत ज्यादा पॉपुलर है और साथ ही साथ मोस्ट वर्सेटाइल एंड टैलेंटेड एक्टर हैं। तो हम स्वागत करते हैं उनका हमारे इस शो में। सो सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। उम्मीद है कि आप बेहतर होंगे, सुरक्षित होंगे और स्वस्थ होंगे। थैंक्स टू यू यार, थैंक्स टू यू गाइज। अच्छा लगता है थोड़ा सा, जब इस इतनी नेगेटिविटी के अंदर थोड़ी सी पॉजिटिविटी आती है। एंड एटलीस्ट हमारी अगर आधे घंटे या एक घंटे के लाइव सेशन में भी अगर लाइक यू नो सम पीपल दे फील अ लिटिल बिट बेटर और उनको कुछ अच्छा लगे, तो इससे बेटर राइट नाउ कुछ और हो ही नहीं सकता है। बिल्कुल, तो क्या आप तैयार हैं सवालों के सिलसिले के लिए? ऑलवेज रेडी। क्योंकि हमारे पास सवालों की लिस्ट बहुत लंबी है और मुझे उम्मीद है कि आप उस लिस्ट का पूरा, कहते हैं ना, सारे आंसर हमें जरूर देंगे। सो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले सवाल से, जो हर किसी के मन में है, कि देवराज इंद्र का जो कैरेक्टर है उसमें कभी आप नेगेटिव के थ्रू भी दिखते हैं, कभी पॉजिटिव भी दिखते हैं, तो रियल लाइफ में कुणाल बख्शी कैसे हैं? यार रियल लाइफ में एवरीबडी लाइक वी ऑल ह्यूमन बींग्स, हम पॉजिटिव नेगेटिव होते नहीं है यार, हम हमेशा न्यूट्रल रहते हैं। वी ऑल, देर इज नथिंग ऐसा पॉजिटिव और नेगेटिव, तो ऐसा कुछ आई डोंट थिंक सो होता है। हर इंसान एक्सट्रीम, वो तो फिर एक्सट्रीम हो गया, और एक्सट्रीम आई डोंट थिंक सो, मतलब एक्सट्रीम कोई भी चीज बहुत अच्छी हो। आप बहुत पॉजिटिव हो तो भी इट्स नॉट वेरी गुड, बहुत नेगेटिव हो तो चलो खराब है ही है। तो यू शुड बी इन बिटवीन समवेयर, यू नो। अकॉर्डिंग टू मी, एक बड़ा सिंपल से लॉजिक से मैं चलता हूँ यार, कि अगर आप किसी का अच्छा नहीं कर सकते हो तो बुरा भी मत करो। वेरी सिंपल, लिव पीसफुली, आराम से, प्यार से, प्यार मोहब्बत से, सबके साथ। ओके, तो मतलब कहा जाए तो सबके साथ एक कोऑर्डिनेशन करके चलना और जिंदगी में हर सिचुएशन में न्यूट्रल रहना, अगर कहा जाए तो कुणाल बख्शी रियल लाइफ में कुछ ऐसे हैं। नहीं, न्यूट्रल आई कांट से न्यूट्रल रहना चाहिए, बट आई एम सेइंग कि यार पॉजिटिव और नेगेटिव जैसा कुछ होता नहीं है यार। आई ऑलवेज बिलीव इन डूइंग गुडनेस, आप अच्छी डीड्स करो और भूल जाओ, और फिर उसका ढिंडोरा मत पीटो कि मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, ये भी अच्छा कर रहा हूँ, वो भी अच्छा कर रहा हूँ। जस्ट लीव इट, डू योर कर्मा, लीव इट, बाकी सब ऑलमाइटी के हाथ में छोड़ दो यार। ओके, तो कहते हैं ना कि हर किसी का एक बचपन में ड्रीम होता है, तो आपका भी क्या ड्रीम था, मुझे एक्टर बनना है, या फिर डेस्टिनी ने चुन लिया कि चलो ठीक है अब आपको एक्टर ही बनना है, तो क्या है वो स्टोरी, हम जानना चाहते हैं। यार देखो, मैं ना ये एक बात, आई एम नॉट टेकिंग एनीबॉडीज नेम, पर वो सबसे बड़े हिपोक्रेट्स होते हैं जो बोलते हैं कि यार मेरी डेस्टिनी में था एक्टर बनना और मैं कुछ और करना चाहता था और यहाँ पे मेरे को ले लिया गया, एंड दिस दैट, दिस इज ऑल क्रैप। आई एम सीरियसली टेलिंग, जो भी आदमी इंडस्ट्री में, अपनी फिल्म इंडस्ट्री में, टीवी में, कहीं पे भी काम कर रहा है ना, वो स्ट्रगल करके आया है। और आप स्ट्रगल किसी चीज के लिए क्यों करते हो? वो आप इसीलिए करते हो बिकॉज यू लाइक दैट, यू नो, आपको वो चीज अच्छी लगती है और आप उसको करने की ट्राई कर रहे हो। बहुत से लोग सक्सेसफुल हो जाते हैं, बहुत से लोग नहीं होते हैं, और कई बार लोग सक्सेसफुल होने के बाद ये बोलते हैं कि यार मेरे को तो डेस्टिनी ने चुन लिया और मैं तो आई वांटेड टू डू समथिंग एल्स और मैं कहीं जा रहा था। दिस इज ऑल बुलशिट क्रैप, ऐसा कुछ होता नहीं है। हर आदमी के मन में कहीं ना कहीं एक एक्टिंग का कीड़ा छुपा होता है बचपन से,
हर आदमी एवरीबडी हैज दैट, हर आदमी ने स्कूल में जब टीचर अगर अभी तो चलो अभी डिफरेंट टाइम की जब स्कूल में होते थे ना वो स्टिक्स विक्स हाथ पे पड़ती थे तो आप एक्टिंग करते थे लगने से पहले टच, व्हाट इज दैट, दैट इज एक्टिंग. अगर आप किसी से झूठ बोल रहे हो व्हाट आर यू डूइंग दैट, दैट इज एन एक्टिंग. सो एवरीबडी इज एन एक्टर. द ओनली डिफरेंस इज वी डू इट ऑन टीवी और फिल्म और व्हाटएवर एंड वी गेट पेड फॉर दैट. बट डेफिनेटली यार बचपन में ऐसा नहीं था कि मतलब एक्टर ही बनना है. बाय 7th 8th तक माय फादर वाज इन एयर फोर्स तो ये था कि यू नो यू हैव टू जॉइन फोर्सेस. फिर वो एक दो साल तीन साल वो किया बट मैंने एनडीए के एग्जाम्स भी दिए वो नहीं सक्सेसफुल हुआ. फिर बीच में एक मॉडलिंग का शो किया इन माय स्कूल टाइम पे एंड आई गॉट पेड, पैसे मिल गए तो मुझे लगा यार ये चीज तो बहुत अच्छी है, आप लाइफ में चिल मार रहे हो और आपको पैसे कमा रहे हो. सो इनिशियली डेज मेरा जो मतलब व्हेन यू आर अ टीनेजर तो आपका ऐसा ही होता है कि यार पैसे मिल रहे हैं इस काम के तो बहुत अच्छी चीज है. सो फिर वो धीरे 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 आपका इंटरेस्ट बना. फिर आपको पता चला कि नहीं यार एवरीथिंग इज नॉट अबाउट मनी, आपको बहुत सारा हार्डवर्क करना पड़ेगा, यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ, बहुत सारा टैलेंट चाहिए और बहुत सारी चीजें चाहिए जिसके थ्रू ही आप कुछ अच्छा काम कर सकते हैं. सो या इनिशियली डेज आई कैन से दैट कि बचपन में तो नहीं था बट जब 10th 11th 12th में लोगों ने बोलना शुरू किया कि नहीं यार यू शुड डू मॉडलिंग, हाइट अच्छी है, आपका फेस अच्छा है, आप वर्कआउट भी करते हो, बॉडी वॉडी अच्छी है, और जब वो करना शुरू किया और पैसे मिलने शुरू हुए और जब एक बार पैसे मिलने शुरू हुए तो फिर यू नो पैसों का लालच तो बहुत खतरनाक होता है, किसी को छोड़ता नहीं है. तो थिंग्स स्टार्टेड दैट वे. और कोई भी डेस्टिनी से नहीं आता है, एवरीबॉडी हैज वर्क हार्ड. ओके सो सर जैसे कि आपने कहा कि कहीं ना कहीं सबके अंदर एक एक्टिंग का कीड़ा होता है तो आपको अपने इनिशियल थोड़ा जैसे 11th 12th के टाइम आपको पता पड़ा कि एक्टिंग का कीड़ा आपके अंदर है तो अब एक्टिंग में आने के लिए आपको कितना स्ट्रगल करना पड़ा जब आपको छोटे पर्दे पे पहला रोल मिला तो कितना उस सिचुएशन में आपको स्ट्रगल करना पड़ा. यार डेफिनेटली देयर वाज अ स्ट्रगल इनिशियली. एक दो साल का जैसे सबको रहता है वो था you know you have to because when I came to Bombay to koi link nahi tha kuch nahi tha kuch pata nahi tha ki kaise hota hai kaise milna hai aur frankly speaking acting kabhi seekhi nahi thi ye pata nahi tha to dheere dheere thode dhakke khaye thode trains buses normal as usual jo sabke sath hota hai wo kiya. Then I got a show in 2006-07 mein mere ko ek show mila jisse thode thode paise aane shuru hue. And then you start, you know, वो आपको acting की जो performance की nitty-gritties होती हैं, धीरे-धीरे आपने सीखनी शुरू की. And then that still learning, अभी भी learning process तो चल ही रहा है. Okay, तो sir अब जो अगला सवाल है कुछ इसी से related है कि कई बार ऐसा होता है कि मुझे पहला role मिल जाता है तो मतलब मैं एकदम excited, हाँ मुझे पहला role करना और एक अलग ही मेरे हाव भाव बदल जाते हैं. तो आपके साथ कुछ ऐसा सिचुएशन हुआ जब आपको पहली बार देवराज इंद्र के लिए फोन आया और आपको मतलब कुछ ऐसा फीलिंग आया अंदर से या फिर एक कहते हैं ना कि एटीट्यूड आ जाता है कि अरे मैं तो बहुत ज्यादा हूँ बहुत. आजकल अगर देखा जाए तो यंगस्टर्स का ये चीज रहता है. नहीं पहली बात तो ये है कि जब देवराज इंद्र आया उससे 8-9-10 साल से तक मैं काम कर चुका था. सो आई हैव डन लॉट ऑफ शोज बिफोर दैट आल्सो. आई हैव डन शो फॉर सोनी, I have done show for Star Plus, I have done show for ZTV. मैंने चैनल V के लिए भी एक बहुत लंबा शो किया है, मैंने सोनी सब के लिए भी एक बहुत बड़ा शो किया है. तो ऐसा नहीं था बट यार डेफिनेटली यार जब भी कोई नई चीज आती है तो आप हल्का सा एक्साइटमेंट तो आपके अंदर रहती है बट वही होता है कि आफ्टर डूइंग यू नो 5-7 साल आपने अलग अलग शोज किए जो हिट नहीं हुए, जब एक चीज हिट होती है तो उसके बाद पीपल विल स्टार्ट सीइंग योर सक्सेस. वो जो उसके पहले का जो आपने सब किया वो सब भूल जाते हैं. बट ठीक है, इट्स अ जर्नी, जर्नी है जो चल रही है और बस अभी आई सेड ना सीख रहे हैं. एवरी डे इज अ लर्निंग प्रोसेस. अभी भी जब सेट पे जाते हैं तो आदमी कुछ सीखता है कि यार आज क्या सीखने को मिलेगा. तो आई ऑलवेज बिलीव इन दैट थिंग कि एवरी डे इज अ लर्निंग प्रोसेस, एवरी डे इज अ लर्निंग डे एंड यू लर्न न्यू थिंग्स. सर कहा जाए तो आपने मैथोलॉजी की बात की जाए तो आपने कर्ण का भी रोल किया है, भोलेनाथ जी का भी रोल किया है तो अगर मैं तीनों रोल में डिफरेंशिएशन करना चाहूँ तो किस तरीके से डिफरेंशिएट कर सकते हैं. नहीं यार सब अलग है, मैंने शिव का नहीं किया है. मैं शिव मेकशिफ्ट में एक बार आई प्लेड बिकॉज मतलब आई वाज शूटिंग फॉर सम अदर शो एंड वन ऑफ माय प्रोड्यूसर्स कॉल्ड मी एंड दे सेड कि the person who's playing Shiv in our show
एंड उसका कुछ कुछ इशू था, पर्सनल इशू था, और वो नहीं आ पा रहे हैं. और हमारी कल का टेलीकास्ट है, यू नो टीवी, हाउ टीवी वर्क्स एकदम से भागते भागते. तो आई वॉन्ट यू टू प्ले शिव फॉर मी. आई सेड कूल. तो मेरा रात के 12:30 बजे पैकअप हुआ, 1 बजे पैकअप हुआ, देन 1 o'clock मैंने अपना लुक टेस्ट करवाया रात के 1 बजे, जो मैं सुबह से शूट करा था 8-9 बजे से. मैंने अपना लुक टेस्ट रात को करवाया, मैंने 3 बजे शूट करना शुरू किया सुबह के 7 बजे तक. तो दैट वॉज यू नो मतलब थोड़ा सा हेक्टिक था, बट यार मजा आया करके यार. और एज एन एक्टर यार कुछ भी जो भी चैलेंजिंग मिलता है आपको बहुत अच्छा लगता है. जैसे अभी इनिशियली मैं बालवीर कर रहा था, एक सोनी सब का बहुत हिट शो है बालवीर. सो आई वॉज प्लेइंग द मेन विलन इन दैट शो. अब उसमें भी क्या है कि यू नो आपको कोई चीज जब चैलेंज करती है, लाइक जैसे एनीथिंग, अगर आप जैसे यू आर टेकिंग दिस इंटरव्यू, अगर आप यही इंटरव्यू रोज लोगे तो आफ्टर 5-10 days, 20 days, 30 days वो एक चीज सेम हो जाएगा. तो आपको भी पता है कि आपको क्या क्वेश्चंस करने हैं और कैसे आपसे बात करनी है, एक्टर से, आर्टिस्ट से, स्पोर्ट्समैन से, किसी से भी. और द डे इफ somebody tells you कि नहीं यार अब आपको लाइव रिपोर्टिंग करनी है बाहर जाके, सो दैट विल बी चैलेंजिंग फॉर यू. सो आई लाइक टेकिंग चैलेंजेस यार. थोड़ा अच्छा लगता है कि जब भी कोई अलग सी चीज आपको करने को मिलती है, सो दैट इज अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर. तो वो मजा आता है चाहे वो कोई भी रोल हो. बिल्कुल सही कहा सर आपने. सर जैसे कि एक चीज जो है कई बार हमें देखने को मिलती है कि हमने 12th पढ़ा, फिर हम फिल्मी दुनिया से अट्रैक्ट हो गए और हम वहां जाने की सोचने लग जाते हैं. बट आपका एक पॉजिटिव चीज हमें ये पता पड़ा है कि आप पढ़ाई में भी बहुत बहुत ही ब्रिलियंट थे और साथ ही साथ आपका पढ़ाई में भी बहुत इंटरेस्ट था, पर फिर भी आपने एक्टिंग को चुना और आपने दोनों को कोऑर्डिनेट किया. तो आपके हिसाब से इसके ऊपर आपके क्या व्यू पॉइंट है? नहीं यार बहुत अच्छा नहीं था मैं. आई वॉज एन एवरेज स्टूडेंट. मैं मतलब बहुत अच्छे लोग बहुत अच्छे होते हैं. तो मतलब आई वॉज नॉट वेरी लाइक ब्रिलियंट स्टूडेंट, बट आई वॉज डिसेंट. मैं डिसेंट था, जो 70-75% वाले होते हैं, वैसे जो नॉर्मल बच्चे रहते हैं, मैं वैसा था. बट यहाँ ये फ्रेंकली स्पीकिंग, एक बार जब आपके दिमाग में वो यू नो दैट इंडस्ट्री की चीज आती है ना, तो फिर आपको लगता है कि नहीं यार आपको सब छोड़ देना चाहिए. लाइक अभी भी कितने बच्चे मेरे से फोन पे बात करते हैं, या यू नो मेरे होम टाउन से, या व्हेनेवर आई मीट समबडी, सम पीपल आउट, सो दे से कि नहीं यार कि भैया हमको ऐसा करना है, हमको पढ़ाई करने में मन नहीं करता, और यू नो हमको एक्टिंग करनी है, और वॉट एवर एक्स वाई जेड, जो भी आप, हमको डांसर बनना है, म्यूजिक में आना है. सो मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ यार कि एटलीस्ट अपनी जो बेसिक एजुकेशन है कंप्लीट दैट. एजुकेशन आपको क्या देती है? एजुकेशन gives you confidence. Education आपको बहुत कॉन्फिडेंस देती है लाइफ, क्योंकि हम एक ऐसी जगह पे काम कर रहे हैं, वी आर लाइक freelancers. लाइक हम freelancers हैं, हम वी आर नॉट वर्किंग फॉर वन कंपनी जहां पे हमको अगले 15 साल तक, 20 साल तक, 50 साल तक दे विल कीप पेइंग अस. नो, वी आर freelancers. वी डू वन शो, वी डू वन प्रोजेक्ट. अब हो सकता है वो 6 महीने चले, 6 साल चले, या हो सकता है वो 6 दिन में भी बंद हो जाए. सो अनसर्टिनिटी बहुत ज्यादा है. Everything is very uncertain. अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है, या आपको लगता है कि नहीं यार एक चीज अगर मेरी फ्लॉप हो गई, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट प्लान ए और प्लान बी, प्लान ए प्लान बी की बात नहीं मैं कर रहा हूँ, बट जस्ट एक बेसिक आपके खुद के लिए कॉन्फिडेंस के लिए कि नहीं यार कि इफ नॉट दिस तो एटलीस्ट मेरे पास इतनी एजुकेशन तो है कि मैं कुछ और कर सकता हूँ लाइफ. एंड एज सिंपल एज दैट यार, लाइक यू नो. और यहाँ पे भी क्या है कि यू हैव टू मार्केट योर सेल्फ. आप जितना मार्केट करोगे, जितना अच्छा खुद को मार्केट करोगे, उतने अच्छे लोगों से आप मिलोगे, उतने अच्छे लोगों के साथ आप काम करोगे. सो दैट इज ऑल्सो एन एजुकेशन. यू शुड नो हाउ टू मार्केट योर सेल्फ. देयर आर टू टाइप ऑफ पीपल. वन, दे'ल जस्ट गो एंड स्टैंड एंड कीप लुकिंग एट देयर फेस, एंड देन द अदर टाइप ऑफ पीपल लाइक मी, दे'ल गो एंड दे'ल टॉक टू दोस पीपल कि डूड आई वॉन्ट टू वर्क विद यू, इफ समथिंग गुड प्लीज डू कंसिडर मी. यू गेटिंग माई पॉइंट? सो बड़ा सिंपल सा लॉजिक है यार. पढ़ाई आपको बहुत कॉन्फिडेंस देती है, और पढ़ाई बहुत जरूरी है चाहे कुछ भी कर लो. बिल्कुल. तो सर अब एक और सवाल आता है कि जब हम किसी, मतलब कहते हैं ना, कोई गवर्नमेंट सेक्टर की फैमिली का बैकग्राउंड है या फिर आर्मी बैकग्राउंड है, तो हम जब उससे बाहर निकलना चाहते हैं, कहते हैं कि हमें एक्टिंग करनी है या हमें डांसिंग करनी है, तो घर वालों का रिस्पॉन्स होता है, अरे तुम्हारे पास तो इतना सब कुछ सेट है, फिर भी तुम इस फील्ड में जाना चाहती हो. तो आपके साथ ऐसा कुछ प्रॉब्लम हुआ था? और अगर हुआ भी तो आपने कैसे उस चीज को मैनेज किया? यार टचवुड, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ. माय फादर वाज इन एयरफोर्स एंड आफ्टर रिटायरमेंट ही स्टार्टेड हिज बिजनेस.
सो आई रिमेम्बर मतलब मैंने वो मॉडलिंग शोज करने शुरू कर दिए थे व्हेन आई वाज इन 10th 11th, तो उसमें मतलब मेरे को डिसेंट पैसे मतलब मिल जाते थे उस टाइम पे, आई एम टॉकिंग अबाउट एजेस अगो, लाइक 20 साल पहले. तो देन आई थॉट कि नहीं यार कि ऐसा क्यों है कि मैं यही करूं, तो यू नो सो डेफिनेटली व्हेन यू आर 16 17 इयर्स ओल्ड और आपको 3-4-5 हज़ार रुपया एक शो का मिल रहा है और उस टाइम पे वो बहुत होते थे. So I told my dad this and this, you know, I'm thinking of, you know, doing acting and, you know, to go start doing modeling and this and that. And he was very supportive. He said, see, the thing is, he's saying, it's your life. तुम्हारी life है यार. अगर मैं तुम्हें बोलूंगा नहीं करो, और चलो ठीक है तुमने अपने बाप की बात मान के नहीं भी किया और life में तुमने कुछ और कर लिया, तुम successful भी हो जाओगे, but तुम खुश नहीं रहोगे. तुम खुश नहीं होगे. अगर खुशी चाहिए एंड इफ यू वॉन्ट टू बी हैप्पी, अगर आपके पास कुछ कम भी है ना, लाइक मनी वाइज मॉनेटरी थिंग्स और स्टेटस वाइज अगर आपके पास कुछ कम भी है और यू आर हैप्पी इन लाइफ, तो आप उस चीज को करते रहोगे. सो दैट वॉज मोर देन एनफ. सो मैंने अपने बैग वैग पैक किए एंड मैं दिल्ली चला गया. एंड देन आई स्टेड इन दिल्ली फॉर 6-8 months. वहां पे कुछ शोज वोज किए, मॉडलिंग वॉडलिंग, तब रैम शोज बड़े होते थे, कुछ टाइम वो किया. एंड देन एक दिन मन में आया, आई कॉल्ड अप माय डैड को, कॉल किया, मैंने कहा पापा यार अब मुझे नहीं रहना दिल्ली में, मन नहीं कर रहा यार, दिल्ली में कुछ है नहीं. वी सेड नाउ, आई सेड आई एम गोइंग टू बॉम्बे. तो अगेन ही सेड इट्स योर लाइफ, आई एम विद यू ऑलवेज, व्हाटएवर यू वांट टू डू आई विल बी स्टैंडिंग बिहाइंड यू. बस मैंने अपना बैग पैक किया एंड ट्रेन में, तब तो ट्रेन ही चलती थी, तो ट्रेन में अपना सामान रखा और बॉम्बे पहुंच गया. मतलब यहाँ पे मेरे अगले सवाल का जवाब यही मिल गया कि आपके लिए सपोर्ट सिस्टम आपके फादर थे. डेफिनेटली यार, सी फैमिली प्लेज अ वेरी बिग पार्ट. फैमिली एक बहुत बड़ा पार्ट प्ले करती है आपकी ग्रोथ में. ग्रोथ आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट प्रोफेशनल ग्रोथ, एज ए ह्यूमन ग्रोथ, आपकी आप कैसे हो, आप यू नो आप दुनिया को किस नजरिए से देखते हो, इसमें आपकी अपब्रिंगिंग बहुत मैटर करती है. कि आप कौन सी वैल्यूज लेके बड़े हुए हो, किन चीजों को आपने देखा है, उनको कैसे आपने अच्छी तरह से पढ़ा है, तो ये चीजें बहुत मैटर करती हैं. तो फैमिली सपोर्ट बहुत जरूरी है. इमोशनल सपोर्ट इज मच मोर इम्पोर्टेंट देन फाइनेंशियल सपोर्ट. बहुत सीरियस नहीं हो गया बहुत कुछ? बिल्कुल. नहीं, आप थोड़ा हंसी मजाक पे आते हैं. अब थोड़ा हंसी मजाक पे आते हैं. हंसी मजाक जो है, अब आपके लिए एक गेम है जिसका नाम है दिस और दैट. सो उस गेम में मैं आपको दो चॉइसेस दूंगी. उन चॉइसेस में से आपको एक चूज करना है. तो चलिए, आपका पहला सवाल जो है वो टीवी स्क्रीन पर तो नहीं आ सकता, तो इसलिए मैं ही आपके सामने प्रेजेंट करूंगी. सो योर फर्स्ट क्वेश्चन इज, आप हील्स पसंद करते हैं या बीचेस पे जाना पसंद? यार मैं इसका 2 मिनट लूंगा आंसर देने में. मैं पैदा हुआ हूँ हिल्स में. मेरा मतलब माय बर्थ प्लेस इज पंजाब एंड देन वी शिफ्टेड टू जम्मू. तो मैंने हिल्स बहुत देखी है एंड लाइफ में इतनी हिल्स देख ले कि अब मन करता है कि नहीं यार थोड़ा बीचेस हो, तो आई विल गो फॉर बीचेस. आई एम अ सर्टिफाइड स्कूबा डाइवर. सो मैंने स्कूबा डाइविंग में सर्टिफिकेट लिया हुआ है. आई एम अ सर्टिफाइड स्कूबा डाइवर. तो मैं मैंने थाईलैंड में किया था कोसा मुई में. सो आई विल गो फॉर बीचेस यार. अब मेरे मन में एक और सवाल आया है जो मैं इस गेम के बाद जरूर पूछूंगी, तो इसलिए सबसे पहले गेम कंटिन्यू करते हैं. तो हमारा जो अगला सवाल है, आप अपनी वाइफ के साथ टाइम स्पेंड करना चाहेंगे या फिर आराम फरमाना चाहेंगे? यार अभी दोनों चीजें हो रही हैं आजकल, पिछले एक साल से आराम भी हो रहा है और वाइफ भी घर पे है ना. मैं कहीं जा रहा हूँ ना वो कहीं जा रही है. सो बोथ द थिंग्स आर हैपनिंग साइमल्टेनियसली. यार ऐसा कुछ है ही नहीं है, बिकॉज अभी कोई गेस्ट किसी के घर पे नहीं आता है, फ्रेंड्स नहीं आ रहे हैं, पार्टीज नहीं हो रही हैं. तो व्हेन यू आर एट होम, इधर यू ईट, यू वॉच टीवी, यू वर्कआउट और यू स्लीप. सो दैट इज ओनली हैपनिंग. सो इसमें भी आपके क्वेश्चन में ही आपका आंसर है. नहीं, एक्चुअली कई लोग ऐसे भी है ना जो ऐसे कहते हैं कि अरे वाइफ के साथ तो जिंदगी भर रहते हैं, अभी आराम करने को वक्त मिला है, हम तो आराम करेंगे. तो वो चीज कहीं ना कहीं सुनने को मिलती है ना, इसीलिए आराम ही है. सो हमारा जो अगला सवाल है, खाना बनाना या खाना खाना? डेफिनेटली खाना, बट आई लव मेकिंग. मतलब नंबर वन पे डेफिनेटली खाना है. खाना किसको नहीं अच्छा लगता है, सभी को अच्छा लगता है. बट या
I like banana also. मैं बहुत अच्छी चीजें I can cook very well. Okay, तो मतलब आपने lockdown में कितनी सारी varieties बनाई है? बहुत सारी. मैं तो lockdown से पहले भी करता था. I love cooking. Okay. हमारा जो अगला सवाल है, अगर आपके पास दो ऑप्शन है, आपको किसी के साथ ज्यादा वक्त बिताना है, तो आप ट्रेन में सफर करना सही समझेंगे या फिर आप एरोप्लेन से जाके वहां पर पहुंच के फिर डेट पे जाना पसंद करेंगे? यार मैं ना बाय रोड जाऊंगा. आई लव रोड ट्रिप्स. मुझे रोड ट्रिप्स बहुत अच्छी लगती है एंड आई लव ड्राइविंग. मैं ऐसी किसी भी जगह तक जा सकता हूँ जहां पे चार टायर जा सकते. आई लव ड्राइविंग. मैं मतलब ड्राइव करते करते कहां से कहां निकल जाता हूँ. मैं नॉर्थ के नॉर्थ पे चला जाऊंगा, साउथ से साउथ तक चला जाऊंगा. आई लव ड्राइविंग. तो मैं आई लव ड्राइविंग. मैं ड्राइव करते करते कहीं पे भी निकल जाता हूँ. दैट इज मच बेटर. ओके, मैंने तीसरी ऑप्शन दे दिया. आपकी एक नई चीज हमें और पता पड़ी कि आपको. आई लव ड्राइविंग. मुझे ड्राइव करना बहुत अच्छा लगता है. तो मैं ड्राइव करते करते कहीं पे भी निकल जाता हूँ. ओके, सो हमारा जो अगला सवाल है, नेटफ्लिक्स या फिर लॉन्ग ड्राइव? वैसे तो लॉन्ग ड्राइव ही बोलेंगे आप, पर फिर भी अब नेटफ्लिक्स और लॉन्ग ड्राइव ऑप्शन है तो शायद आपको नेटफ्लिक्स पसंद हो. फर्स्ट इज लॉन्ग ड्राइव्स. और आजकल जैसे आप लॉन्ग ड्राइव्स नहीं कर पा रहे हो, तो नेटफ्लिक्स ने तो पिछले साल पूरा इंसानों को नॉर्मल रखा है यार, नहीं तो पागल हो जाते सब. तो नेटफ्लिक्स ने ही बचाया पूरा साल. तो यार अभी भी आई एम वॉचिंग अ न्यू सीरीज ऑन नेटफ्लिक्स, हु किल्ड सारा करके आई है, उसका सीजन 2 देख रहा हूँ मैं. Season 1 last to last month मैंने देखा था. Season 2 I just started day before yesterday. Okay, अंतिम सवाल जो है वो ये है कि आप Instagram surfing करना ज़्यादा prefer करेंगे या फिर किसी से call पे बात करना और उनसे एक interaction करना? Yeah, definitely call पे बात होती है. मतलब मैं जिसको भी मेरा मन करता है मैं call पे बात कर लेता हूँ. पर आजकल मैंने ही note किया है, मेरे even my wife was telling me कि मैं बहुत ज़्यादा Insta पे रहता हूँ, बहुत ज़्यादा. मतलब बिकॉज करने को कुछ है नहीं और आप घर से बाहर नहीं जा सकते. एंड देन व्हाट टू डू एट होम, कितना आप टीवी देखोगे. तो फिर एट द एंड ऑफ द डे जब आदमी बेकार बैठा है तो मोबाइल उठाओ एंड देन यू स्टार्ट इंस्टा पे. बट एनी डे आई प्रेफर टॉकिंग यार. मतलब टॉकिंग से भी बेटर है फेस टू फेस जब आदमी बात करता है यार, वो तो एक अलग ही चीज रहती है. फोन से भी बेटर है वो तो. कुछ टाइम बाद ऐसे होगा कि मतलब कहते हैं ना कि 15-20 साल बाद जब अपने बच्चों को कोई स्टोरी सुनाएंगे तो कहेंगे कोई वक्त ऐसा भी हुआ करता था जब फेस टाइम और वीडियो कॉल्स बहुत ट्रेंड में थे. ऑब्वियसली यार, ऑब्वियसली. मतलब ये जो टाइम है एटलीस्ट जो हमारी जनरेशन है वो तो अपनी लाइफ टाइम तक नहीं भूलेगी जो पिछले एक साल से यू नो द वर्ल्ड इज गोइंग थ्रू. हाँ, जो अभी बहुत छोटे हैं यू नो द किड्स, वो शायद अगले 5-7-10 साल में भूल जाएंगे. बट आई डोंट थिंक सो कि व्हाट वी हैव लॉस्ट एंड वी हैव फाउंड सो मच. मतलब मैं कल ही बात कर रहा था कि पेंडेमिक हमको बहुत कुछ सिखा के गया है. इतना कुछ सिखा गया है कि आप बहुत मिनिमम में अपना गुजारा कर सकते हो. आप बाहर नहीं जाओ, आप ये मत करो, वो मत करो. बहुत बेसिक चीजों से वी हैव स्टार्टेड लिविंग. नहीं तो पहले अगर आप पार्टी नहीं करते थे, रेस्टोरेंट नहीं जाते थे, होटल्स नहीं जाते थे, ये नहीं करते थे, वो नहीं करते थे, तो यूज टू फील आर आई शिट यार, लाइफ कुछ आई नहीं. अभी एक साथ से सब घर पे बैठे हैं. ये भी चीजें सीख ली हैं कि चीजों की वैल्यू करना हम सबको आ गया है बहुत ज्यादा. बिल्कुल सही कहा सर आपने. और जैसे पहले भी आपने कहा था कि हर दिन हमें कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है, सो इस पैंडेमिक में भी हमें हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखने को मिल रहा है. अब सर मेरा एक सवाल है, बहुत टाइम से मैं पूछना चाह रही हूँ कि आपने जैसे कहा कि आप स्कूबा डाइविंग भी करते हैं, आप एक्टिंग भी करते हैं, आप अपनी फिटनेस पे भी ध्यान देते हैं, आप अपनी लव लाइफ पे भी ध्यान देते हैं, तो 24 घंटे हैं आपके पास हमारे पास, पर फिर भी हमारे पास वक्त नहीं. आप इन सब चीजों को कैसे मैनेज करते हैं? यार मैं फ्रेंकली स्पीकिंग फिटनेस का या ऐसा है कि स्कूबा डाइविंग का क्या है, वो तो आप एवरीडे ही डोंट ना, वो तो चलो कभी कभी कर लिया. बट फिटनेस का क्या है कि आई बिलीव इन वन थिंग कि आपके पास 24 घंटे, उस 24 घंटे में से अगर आप 45 मिनट्स और 1 आवर भी अपनी उस बॉडी के लिए नहीं निकाल पा रहे हो जो आपको 24 घंटे तक स्ट्रेंथ देती है, जो आपको खड़ा रखती है, तो फिर आई डोंट थिंक सो कि कुछ सही हो रहा है, कुछ गलत ही हो रहा है. अगर आप एक घंटा कुछ भी कर लो यार, आप वॉक कर लो, आप खेल लो, डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, बट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट यार. फिटनेस के लिए एक घंटा निकालना इज वेरी इंपॉर्टेंट. और बाकी सब चीजें तो पैकेज है ही है यार. बिल्कुल. सर एक सवाल और पूछना चाहूंगी कि कई बार ऐसा होता है कि हमारी जिंदगी में हम थोड़ा सा कहीं हमारे लाइफ में हम नीचे गिर जाते हैं तो हमें लगता है कि अब हम उठ नहीं सकते हैं, अब हमारे सामने कुछ भी ऐसी चीज नहीं है.
इस पैंडेमिक की बात की जाए या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि कोई शो बीच में बंद हो जाता है, तो आर्टिस्ट के पास इतना होता नहीं है कि वो खुद का गुजारा आगे अच्छे से कर पाए, या स्पॉट बॉयज हैं वो भी अच्छे से नहीं कर पाते, तो उस सिचुएशन में कैसे मोटिवेशन मिलता है उनको, उस सिचुएशन में क्या क्या वो करते हैं, किस तरीके से वो ऊपर उठने का ट्राई करते हैं? ये देखिए, इट्स नॉट अबाउट आवर इंडस्ट्री, इट्स एवरीवेयर राइट नाउ. मैं अभी लास्ट मंथ का एक सर्वे है जिसमें 79 लाख पीपल हैव लॉस्ट देयर जॉब्स इन अप्रैल. मतलब 79 लाख लोगों ने अपनी जॉब खोई है ओनली इन अप्रैल इंडिया में, और सम क्लोज टू 38 or 39 lakh इन मे अभी तक, मतलब 5-6 दिन पहले तक. तो मतलब इन ए स्पैन ऑफ 1.5 month 1.25 crore लोग अपनी जॉब यू नो गवा चुके हैं. बट क्या होता है यार कि एट द एंड ऑफ द डे, जैसे अभी सब बोल रहे हैं कि जान है तो जहान है, ये प्रॉब्लम, ये हमारी ये जो ये डिजीज बोल सकते हैं इसको, जो भी बोल सकते हैं, कि ये ऐसी है कि अगर इससे आपने सर्वाइव कर लिया तो अगर आप जो पैसा बोल रहे हो या आपका करियर है वो सब डेफिनेटली बन जाएगा. एक बार एक कलेक्टिव एफर्ट करके हमने इसको हरा दिया तो देन एवरीथिंग विल बी सॉर्टेड. तो यार देखो, ऑप्शन कोई है नहीं. और अगर आप एक बार नेगेटिव सोचना शुरू करोगे तो आप नेगेटिव ही सोचोगे, क्योंकि नेगेटिविटी इंसान को जल्दी पकड़ती है. पॉजिटिविटी थोड़ी सी देरी से आदमी को लगता है कि नहीं, थिंग्स आर बिकमिंग गुड, वो धीरे धीरे आपके अंदर सिंक इन होता है. बट जो नेगेटिविटी होती है ना, वो ऐसे करके आपको पकड़ लेती है. तो बेटर है अपने आप को थोड़ा सा अच्छे फ्रेम ऑफ माइंड में रखो यार. अच्छा, थोड़ा सा अगर आपको लग रहा है कि चीजें खराब हो रही है तो ऑलवेज थिंक अबाउट द टाइम्स व्हेन यू स्टार्टेड. लाइक मेरे को अगर कभी भी ऐसा लगता है तो मैं सिर्फ एक बात सोचता हूँ कि यार जब मैं बॉम्बे आया था तो मैं कितने पैसे लेके आया. आज तो आपके पास उससे बहुत ज्यादा है, तो फिर क्या टेंशन. यू ऑलवेज थिंक कि व्हेन यू स्टार्टेड योर करियर, और जब मैं ये काम शुरू करने वाला था तब मेरे पास क्या था. आज अगर नहीं है तो तभी भी नहीं था, तो मैं फिर से बना लूंगा यार. मतलब इंसान है, इंसान कुछ भी कर सकता है. ये जो है ना, ये बहुत स्ट्रांग होता है. दिमाग बहुत स्ट्रांग चीज है. अगर आप इसको स्ट्रांग करके रखोगे तो देन यू विल बी पॉजिटिव. आपकी सोच ही वैसी हो जाएगी. बिल्कुल सही कहा सर आपने. और जब आप बोलते हैं हमको ऐसा लगता है कि हम आपको सुनते हैं, क्योंकि आपके फेस पे वो बात पूरे अच्छे तरीके से झलकती है. और और कहा जाने तो आज के इस सेशन को सोलफुल संडेज बोला जाए तो बिल्कुल गलत नहीं होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं एक सोल से रिलेटेड बात की जा रही है कि हम कैसे अपने आप को अच्छा फील करवा सकते हैं. तो सर मेरा जो अगला सवाल है वो ये है कि अभी आपके सरप्राइज बॉक्स में आने वाले वक्त के लिए कौन से नए नए चीजें आप करने जा रहे हैं, कौन से मीडिया में हम आपको देख सकते हैं, कौन से पर्दे पर हम आपको देख सकते हैं, किस तरीके से किस रूप में हम आपको देख सकते हैं? ये देखो, अभी मैं फ्रेंकली स्पीकिंग, मैं टीवी आई मतलब आई एम नॉट सेइंग आई विल नॉट डू टीवी, बट अभी मेरा कुछ अलग करने का मन है. जैसे OTT प्लेटफॉर्म्स पे बहुत अच्छे अच्छे आजकल काम हो रहे हैं, यू नो. सो लेट्स सी यार, होपफुली फिंगर्स क्रॉस्ड कुछ अच्छा निकल के आए, एंड देन किसी अच्छे OTT प्लेटफॉर्म पे यू नो यू वर्क. सो दैट इज लाइक समथिंग वेरी मीनिंगफुल यार. मतलब बिकॉज टीवी में क्या होता है कि आपको पता है एक दिन आपने किया, दूसरे दिन किया, तीसरे दिन किया, पांचवें दिन किया, टेंथ डे किया, 20th day, 30th day, फिर आप रोज सेम चीज कर रहे हो. एवरी डे यू आर डूइंग अ सेम थिंग. थोड़ा सा भी अलग करने की ट्राई करेंगे, बट लेट्स सी यार. अभी यू कांट से एनीथिंग. आई वुड लव टू डू दैट. यही अभी तो प्लानिंग. ओके सो सर, जैसे कि हर किसी की जिंदगी में एक ऐसा पल होता है जिसे वो बुलाए नहीं भूलते हैं, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो. बट कभी कभी ऐसा होता है कि अच्छे पल को याद करके हम कभी बुरे वक्त में उसे याद करते तो एक फेस पे स्माइल आ जाती है. तो आपकी जिंदगी का कोई ऐसा अच्छा, खूबसूरत, प्यारा पल जो आपके दिल के बहुत करीब हो? आई लव लाइफ यार. मैं ना एक बहुत पॉजिटिव इंसान हूँ. मैं हमेशा छोटी छोटी चीजों में जो खुशी मिलती है आपको, वो बड़ी बड़ी चीजों में शायद कभी नहीं भी मिलेगी. आपकी फर्स्ट कार, आपकी फर्स्ट बाइक, आपकी फर्स्ट सैलरी, यू नो, पहली बार जब किसी ने आपसे ऑटोग्राफ लिया या पहली बार किसी ने आपसे के साथ सेल्फी ली, तो ये चीजें बहुत सारी होती हैं आपके दिमाग में. आपके पेरेंट्स को जब खुशी मिली, और यू नो व्हेन यू गॉट मैरिड एंड ऑल दोस थिंग्स. देयर सो मेनी मोमेंट्स इन लाइफ यार. ऐसे ना नेगेटिव होने के बहुत कम रीजन रहते हैं, पॉजिटिविटी के तो बहुत रीजन होते हैं यार. मतलब जगह जगह पे आप देखो, यू शुड बी
थैंकफुल टू गॉड कि आप मतलब यू नो आप वो हम वो चीजें कर पा रहे हैं जो हम लाइफ में करना चाहते थे. देयर आर सो मेनी पीपल यार, वही चीज आती है कि पेरेंट प्रेशर में या आपकी फैमिली के प्रेशर में आप वो नहीं करते हो, आप कुछ और कर लेते हो, एंड देन बड़े होके भी आप वो उस बैगेज को लेके घूमते रहते हो कि यार आई वांटेड टू डू समथिंग एल्स बट मैं वो नहीं कर पाया, मैं ये कर रहा हूँ. बट सो आई सेड वी आर ब्लेस्ड, यू शुड फील गुड दैट हम वो कर रहे हैं जो करना चाहते, एंड टचवुड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड वी आर सक्सेसफुल इन दैट. मेरा जो अगला सवाल है वो ये है कि जैसे हमारे शो का नाम है सक्सेस स्टोरीज, तो आपके अकॉर्डिंग सक्सेस क्या है? सक्सेस के लिए एक कोई वर्ड बताइए और साथ ही साथ आप सक्सेस को कैसे डिफाइन करते हैं? अकॉर्डिंग टू मी हैप्पीनेस इज सक्सेस. इफ यू आर हैप्पी यू आर सक्सेसफुल. कुछ भी कर रहे हो एक्स वाई जेड, अगर आप खुश नहीं हो तो आप सक्सेसफुल नहीं हो. दैट मींस यू वांट समथिंग एल्स इन लाइफ. If you are happy in life, you are content in life, you are successful. बाकी success का तो कोई parameter है ही नहीं है यार. मतलब and as a human being, we all are greedy people यार. मतलब if today you are earning this much, tomorrow you want that much, and after 1 month you want that much, and if you have one car today, after 1 year you want a bigger car, and then you want much bigger than, and then you want a luxury car. So उसका तो कोई अंत है ही नहीं. That is life. But if you are happy. बिल्कुल सही कहा आपने. और हमारा जो अंतिम सवाल है और उसके बाद हम इन सवालों के सिलसिले को खत्म करेंगे, वो ये है कि सक्सेस, स्ट्रगल, पैशन एंड प्रोफेशन, ये चारों किस तरीके से एक दूसरे से कनेक्टेड है? यार दे ऑल आर लिंक्ड, ऑल आर लिंक्ड. इफ यू डोंट हैव पैशन, अगर आपके अंदर पहली चीज है पैशन, इफ यू डोंट हैव पैशन तो आप उस चीज को परस्यू करोगे ही नहीं कभी. Like, ये मैंने आपको पहले भी बोला था कि सो मेनी एक्टर्स से कि हमको तो इंडस्ट्री में आना ही नहीं था, बाय फ्लूक हम आ गए. तो मुझे बहुत अजीब लगती है चीजें. जब तक आप नहीं चाहते हो आप कुछ नहीं बन पाते हो लाइफ. आपके चाहने के बाद ही सब कुछ होता है. तो पैशन है, एंड देन व्हेन यू स्टार्ट वर्किंग टुवर्ड्स यू नो योर पैशन तो डेफिनेटली सक्सेस तो मिलता नहीं, फेलियर्स सबसे पहले खड़े होते हैं. तो पैशन के बाद फेलियर ही होते हैं आपके डेफिनेटली, बिकॉज आई एम टॉकिंग अबाउट 99% पीपल और 99.9% पीपल. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दोस 0.1% पीपल की जो तो भाई मतलब सिल्वर स्पून में जिनके सामने सब कुछ पड़ा हुआ है. बट या पैशन होगा तो देन आप उस चीज को परस्यू करने की ट्राई करोगे और आपको फेलियर्स मिलेंगे. और क्या था सक्सेस के साथ, और क्या था? स्ट्रगल. यस यस यस. और स्ट्रगल और फेलियर्स तो भाई बहन है ना एक दूसरे के. तो अब स्ट्रगल्स करते हो तो फेलियर्स होते हैं, फेलियर्स मिलते हैं तो स्ट्रगल करते हो, स्ट्रगल फेलियर, फेलियर स्ट्रगल, एंड अल्टीमेट थिंग इज सक्सेस. एंड सक्सेस का भी कोई, अगेन आई सेड कि सक्सेस इज नॉट सम बैरोमीटर और समथिंग दैट वी कैन से कि ओके दिस इज सक्सेस. व्हाट इज सक्सेस? सक्सेस इज इनसाइड यू. If you feel today, okay, I'm doing this thing and I'm happy, I'm sorted. आपने 1,000 crores कमा लिए, 10,000 crores कमा लिए, and then you say कि नहीं यार, I want more, I'm not happy, then what is the logic of that? I don't think so. ऐसा कुछ है. So everything is interlinked यार. Passion से ही सब शुरू होता है. Everything starts from passion. Passion होगा तो ही आप उस चीज को pursue करोगे. बिल्कुल सही कहा आपने. बहुत कंफ्यूज कर दिया क्या मैंने? नहीं कंफ्यूज नहीं, मैं आपकी बातों को सुन रही थी बिकॉज़ अभी मैं भी लर्निंग स्टेज में हूं, तो मेरे को भी बहुत कुछ नया सीखने को मिला. सो दैट्स व्हाई आई एम लिसनिंग केयरफुली. सो बहुत 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 अच्छा लगा जानकर, और साथ ही साथ हमने कई सारे आज पॉइंट सीखे कि हमें सबसे पहले एक अच्छे तरीके से मेहनत करनी है, और साथ ही साथ एजुकेशन को पीछे छोड़कर अगर हम सोचते हैं कि हमें कुछ करना है तो वो चीज ना करके हमें दोनों को मैनेज करके चलना है. और साथ ही साथ दिल लगाकर लाइफ का मूल मंत्र सिर्फ एक है, देयर इज नो सब्स्टिट्यूट ऑफ हार्ड वर्क. हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट है ही नहीं. अगर आप सोचोगे आप शॉर्टकट ले लोगे, आप ऐसा कर लोगे वैसा कर लोगे किसी भी फील्ड में किसी भी करियर में, तो हार्ड वर्क किए बिना आप कभी भी कहीं पहुंच ही नहीं सकते. बिल्कुल, मतलब एक और पॉइंट ऐड करना पड़ेगा. हार्डवर्क तो है यार, हार्डवर्क के बिना तो लाइफ में कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं मिलता है. बिल्कुल. सो सर उम्मीद है आपको आज का ये सेशन हमारा पसंद आया होगा, और थैंक यू सो मच आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया.
और हमें इतना मोटिवेट किया अपनी स्टोरी से, कहीं ना कहीं हमें ये सिखाने को दिया कि कैसे हम हार्डवर्क करके अपने आप को अच्छा बना सकते हैं, एक अच्छा मुकाम हासिल कर सकते हैं। सो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही साथ थैंक यू सो मच। और एक लाइटर नोट पे मैं खत्म करता हूँ इस चीज को, ये जो कीमती समय है, ये कीमती समय बहुत कीमती था, बताओ क्यों? Because I eat my lunch and I sleep for 2-3 hours. तो ये सोने का टाइम हो गया आजकल, मतलब because बॉम्बे में बहुत गर्मी है and you switch on the AC, switch off the lights and after 3:34 you sleep. So और करना भी क्या है यार? So ठीक है, अच्छा है, मजा आया बात करके, बहुत अच्छा लगा आपसे भी and it was really nice talking to you पूजा. Second time हम बात कर रहे हैं यार, अच्छा लगा यार, God bless. Actually, I was very excited. मेरे को बताया गया कि आप आ रहे हैं. I was like, okay, सर से तो मेरी बात हो चुकी है and I feel very comfortable, yeah. Yeah. Okay. So thank you so much, sir, again. और हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और साथ ही साथ हमारे व्यूवर्स के लिए इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए और सक्सेस स्टोरीज के लिए, और साथ ही साथ मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे हमारे साथ जुड़ना मत भूलिए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इसे सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।